हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी और आज जो मैं गेम आपके लिए लाया हूँ ये खेली गई थी रमेश बाबू प्रज्ञानंद और टोनी रेडनार के बीच। 2016 की ये गेम लंदन चेस क्लासिक ओपन टूर्नामेंट की है। फ्रेंड्स, जब ये टूर्नामेंट हुआ तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद 11 साल के थे और टोनी रेडनर लगभग 50 साल के। मुझे इस गेम में प्रज्ञानंद के टेक्टिकल फॉर्मेशन बहुत अच्छे लगे, तो आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं। गेम की शुरुआत की प्रज्ञानंद ने e4 के साथ, c5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट f3, d6, c3, नाइट f6, बिशप e2, नाइट c6, d4, c takes d4, c takes d4, d5, e4 पॉन पर प्रेशर। यहाँ अगर प्रज्ञानंद इस e पॉन को एक्सचेंज कर लेंगे तो उन्हें काफी नुकसान है, क्योंकि उनका d पॉन आइसोलेटेड रह जाएगा। यहाँ प्रज्ञानंद ने किया e5, नाइट पर अटैक। ब्लैक ने नाइट को बचाया e4 स्क्वायर पर, नाइट c3। और फ्रेंड्स, अब अगर आप देखेंगे तो वाइट की डेवलपमेंट लगभग पूरी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक डेवलपमेंट के मामले में काफी पीछे है। उसके f8 के बिशप को निकलने में काफी टाइम लगेगा। यहाँ ब्लैक को अपने पीसेस डेवलप करने चाहिए थे। यहाँ ब्लैक ने काफी अनयूजुअल मूव चला, उसने किया क्वीन a5, c3 नाइट को पिन किया। प्रज्ञानंद ने यहाँ कैसल किया, नाइट टेक्स c3, बी टेक्स c3, और यहाँ अब यह c3 का पॉन ब्लैक को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ ब्लैक इस पॉन को लेगा क्वीन टेक्स c3 करके, तो उसके बाद बिशप d2, क्वीन पर अटैक, क्वीन a3, क्वीन c2, और यहाँ डेवलपमेंट के मामले में वाइट काफी आगे निकल जाएगा, क्योंकि अभी काफी टाइम उसे इस क्वीन को बचाने में ही लगेगा। इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने ये c3 पॉन नहीं लिया, उसने किया बिशप g4, अपना बिशप डेवलप किया, रुक b1, b7 पॉन पर अटैक। यहाँ चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि ब्लैक को b7 पॉन का डिफेंस रुक b8 करके करना चाहिए था, लेकिन उसने किया b6, और यही वो मूव है जिसके बाद ब्लैक की गेम खराब हो गई। यहाँ प्रज्ञानंद को डोमिनेट करने का मौका मिला, उसने किया बिशप b5, c6 नाइट पर अटैक। ब्लैक ने उसका डिफेंस किया रुक c8 करके। व्हाइट का अगला मूव c4, और यहाँ ब्लैक इस c पॉन को नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया d takes c4 तो उसके बाद d5, और यहाँ व्हाइट को ये नाइट मिल जाएगा। यहाँ इस पोजीशन से जो बेस्ट मूव निकल कर आता है वो है a6। सिर्फ ब्लैक के पास यही एक तरीका है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। उसके बाद c takes d5, a takes b5, d takes c6, Rook takes c6, और यहाँ इस सिचुएशन में ये गेम थोड़ी इक्वल कही जा सकती है। बस ब्लैक के यहाँ ये दो पॉन डबल हो गए हैं, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया e6, c takes d5, e takes d5, bishop d2, क्वीन पर अटैक। यहाँ व्हाइट ने क्वीन को ऑफर दिया a2 पॉन लेने का, लेकिन क्या वाकई में ब्लैक इस पॉन को ले सकता है, आइए जरा देखते हैं। यहाँ अगर ब्लैक ने किया होता क्वीन टेक्स ए2 तो उसके बाद रुक c1, c6 नाइट पर प्रेशर। यहाँ अब अगर ब्लैक करता बिशप टेक्स f3 तो उसके बाद रुक टेक्स c6, और ये बिशप इस क्वीन को नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया बिशप टेक्स d1 तो उसके बाद रुक टेक्स c8 चेक, किंग e7, रुक टेक्स c8 चेक, एंड मेट। यहाँ ब्लैक कर सकता है बिशप d7, लेकिन ये वेरिएशन ब्लैक के लिए एक डेथ ट्रैप की तरह है। इस वेरिएशन के एनालिसिस को अभी हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे, आइए वो देखते हैं जो ब्लैक ने किया। यहाँ इस पोजीशन से पॉन तो नहीं लिया जा सकता, ब्लैक ने यहाँ किया क्वीन a3, रुक c1, c6 नाइट पर प्रेशर। फ्रेंड्स, अगर यहाँ ब्लैक को अपनी गेम बचानी है तो उसके लिए बेस्ट मूव है बिशप c5, उसे अपना रुक सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। यहाँ उसके बाद व्हाइट कर सकता है d takes c5, और ब्लैक को यहाँ मौका मिल जाएगा कैसलिंग करने का। c takes b6, नाइट टेक c3, रुक टेक c8, रुक टेक c8, b7, और ये पोजीशन व्हाइट को फेवर करती है। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने c6 नाइट का डिफेंस किया बिशप d7 करके। फ्रेंड्स, ये वही वेरिएशन है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले छोड़ दिया था। यहाँ प्रज्ञानंद ने एक और बेहतरीन मूव चला, उसने किया e6, और अपना एक और पॉन सेक्रीफाइस कर दिया। व्हाइट को यहाँ करना ही पड़ा f takes e6, और व्हाइट का फाइनल ब्लो नाइट e5, और ये मूव ब्लैक के लिए बहुत भारी था, क्योंकि यहाँ अब अगर ब्लैक ने नाइट एक्सचेंज किए नाइट टेक सी5 करके, तो उसके बाद रुक टेक सी8 चेक, किंग f7, क्वीन h5 चेक, और अब अगर यहाँ ब्लैक ने g6 किया तो उसके बाद क्वीन टेक सी5, रुक पर अटैक, और उसके बाद बिशप टेक सी8, क्वीन टेक h8, और इस तरह से यहाँ वाइट एक पीस अप हो जाएगा। और अगर इस पोजीशन से ब्लैक ने इस चेक का डिफेंस इस नाइट से किया तो उसे अपना बिशप गंवाना पड़ेगा। और यहाँ इस सिचुएशन से अगर ब्लैक ने बिशप d6 किया तो उसके बाद क्वीन h5 चेक, g6, नाइट टेक्स g6, h टेक्स g6, क्वीन टेक्स h8 चेक, बिशप f8, और यहाँ वाइट को नाइट के बदले में रुक मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया क्वीन d6, अपने इस नाइट को प्रोटेक्ट किया, और यहाँ प्रज्ञानंद का फाइनल ब्लो, उसने किया क्वीन a4, और इसके बाद टोनी रेडनर ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि अब अगर यहाँ आगे गेम चलती
अगर यहाँ ब्लैक ने नाइट एक्सचेंज किए होते नाइट टेक सी फाइव, तो उसके बाद रुक टेक सी एट चेक, किंग एफ सेवन, डी टेक सी फाइव, क्वीन पर अटैक। पहले यहाँ ब्लैक को क्वीन बचनी पड़ती, क्वीन टेक सी फाइव, और उसके बाद बिशप टेक्स डी सेवन, और इस तरह यहाँ व्हाइट दो पीस अप हो जाता। अगर यहाँ इस सिचुएशन से ब्लैक ने क्वीन एक्सचेंज का ऑफर किया होता क्वीन ए थ्री करके, तो उसके बाद नाइट टेक सी सिक्स, क्वीन टेक ए फोर, बिशप टेक ए फोर, और ये कंडीशन व्हाइट को फेवर करती क्योंकि यहाँ वो एक नाइट अप होते। फ्रेंड्स, ये गेम बहुत सिंपल थी लेकिन इसका टेक्टिकल प्ले मुझे बहुत पसंद आया। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।